तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ये सारी बातें यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी फ्यूल के अंदर, चाहे आपका सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो या गैसियस फ्यूल हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद रहता है। तो फ्यूल के अंदर कौन सा एनर्जी मौजूद रहता है? तो फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद रहता है। और जैसे ही हम लोग इस फ्यूल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज यानी कि कंबस्टन करवाएंगे, तो ये जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग फ्यूल का कंबस्टन करवाएंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस तरह से फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन होने के बाद फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इसका कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस by complete combustion of unit mass or unit volume। यहां पे यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम लिखा हूं, यानी कि यूनिट मास अगर हमारा मान लीजिए सॉलिड फ्यूल है तो हमारा पर केजी हो गया, और गैसियस फ्यूल के लिए यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूल का कंबस्टन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, यानी कि एयर का जरूरत पड़ेगा। तो हमारा टोटल कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कब कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब इसका कंबस्टन कंप्लीट कंबस्टन हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। कहने का मतलब कि यूनिट मास का मतलब हो गया कि 1 केजी अगर सॉलिड फ्यूल हो, यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि पर एमक्यू जो हमारा गैसियस कोई फ्यूल हो, जैसे कि हमारा कोई भी मीथेन वगैरह है, पर एमक्यू मीथेन को हम लोग जब कंप्लीट कंबस्टन करवाएंगे, या पर केजी किसी कोल को हम लोग कंप्लीट कंबस्टन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो हमारा जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन होने के बाद हमारा कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो दो टाइप का होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू डिवाइड इन टू टाइप्स। तो पहला होता है हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी कि किसी भी यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जब हम लोग कंप्लीट कंबस्टन करवाते हैं तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई यहां पे इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग क्या किए हैं, फ्यूल का कंबस्टन करवा रहे हैं। मान लीजिए यहां पे हमारा क्या है, फ्यूल है, और जब हम लोग इसका कंबस्टन करवाएंगे तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं,
ठीक है, यानी कि कुछ फ्लू गैस निकलेगा और इसके अंदर भी कुछ हमारा हीट एनर्जी अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इस फ्यूल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के क्या बना देगा, वाटर बना देगा, यानी कि H2O बना देगा। और ये जो वाटर है क्या होगा, इस हीट यहां पे जैसे मिलेगा तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये जो वाटर है इस केमिकल रिएक्शन से बना है, और ये वाटर से स्टीम कैसे बना है, तो यहां से हीट को एब्जॉर्ब करके, यानी कि जब यहां पे H2O का फॉर्मेशन होगा तो ये H2O क्या करेगा, फ्यूल का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके स्टीम में बना लेगा, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है, जिसके चलते वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्लोज कर दें, यानी कंटेनर को क्लोज करके ये जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, वो सारा हीट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि मेजर करते हैं, यानी कि जब हमारा यहाँ पे कंबसन होगा तो इसका जो कंबसन प्रोडक्ट है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर तक कूल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि टोटल हीट प्रोड्यूस किया कितना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि इसका अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इतना हमें लिखना ही पड़ेगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन एंड बाई प्रोडक्ट्स आर कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर तक क्या करते हैं, कूल करते हैं। जैसे कि हम लोग हायर कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमारा एक क्लोज कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग फ्यूल का कंबसन करवाते हैं, और उसका हम लोग टेम्परेचर तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक ये हमारा रूम टेम्परेचर तक न आ जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट निकला है उसका हम लोग जो एनर्जी है उसको भी रिकवर कर लेंगे। इस तरह से हायर कैलोरीफिक वैल्यू में एनर्जी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स कैन बी रिकवर्ड, क्योंकि हम लोग इसको रूम टेम्परेचर तक ला रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी बाय प्रोडक्ट के अंदर जो एनर्जी था उसको हम लोग रिकवर्ड कर दे रहे हैं। वही अगर हम लोग लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर क्या होता है कि देखिए हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल रख के यहाँ पे कंबसन करवा रहे हैं। तो जैसे ही कंबसन होगा तो यहाँ पे भी हमारा बाय प्रोडक्ट्स बनेगा, यानी कि फ्लू गैस बनेगा। ये भी क्या करेगा, H2O जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो फ्यूल के अंदर H2 है O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2O यानी वाटर बनेगा, और ये वाटर क्या होता है, हीट मिलने से स्टीम में बन जाता है, और ये क्या होगा, यहां से एस्केप हो जाता है। यानी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में हम लोग जो बाय प्रोडक्ट होगा उसका एनर्जी को रिकवर नहीं करते हैं, उसको हम लोग फ्रीली क्या करते हैं, एटमोस्फियर में एस्केप होने के लिए छोड़ देते हैं। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको एटमोस्फियर में नहीं भेजते हैं, इसका हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में जो बाय प्रोडक्ट है उसका जो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को रिकवर नहीं करते हैं, और उसको हम लोग ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब कि इसके अंदर जो हमारा H2O का जो H2O से स्टीम का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो एनर्जी है उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में। इस तरह से अगर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता करना हो और आपके पास हायर कैलोरीफिक वैल्यू अवेलेबल हो, तो देखिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HCV, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो टोटल फ्यूल के अंदर जो हीट है उसको हम लोग यहां पर मेजर कर रहे हैं, इसीलिए HCV को हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, LCV, जिसे हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, NCV भी बोलते हैं। तो अगर आपको LCV कैलकुलेट करना है और आप हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो LCV यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा HCV, यानी कि इसका जो हीट होगा कभी भी इससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे माइनस क्या करते हैं, तो जो स्टीम ये जो हीट लेकर के यहां से निकला है उसी को हम लोग माइनस करेंगे। तो HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पे वाटर से स्टीम बन रहा है, तो वाटर से स्टीम यानी इनका फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज करने के लिए कौन सा हीट का एब्जॉर्ब होता है, तो लेटेंट हीट का एब्जॉर्ब होता है, और सेंसिबल हीट में क्या होता है, उसका केवल सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहां पे फेज चेंज हो जा रहा है, वाटर से स्टीम में बन जा रहा है, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, HCV से माइनस हो जाएगा। और स्टीम का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितना होता है, 586 किलो कैलोरी पर केजी होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCV इक्वल टू HCV माइनस
हमारा 9H2 यानी कि हमारा कितना स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है 9H2 इनटू क्या हो जाएगा 586 क्या है तो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और 9H2 का मतलब क्या हो गया कि कितना यहां पे स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है और हायर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हम लोग किसी बॉम्ब कैलोरीमीटर से या हम लोग कोल का एनालिसिस करके भी निकाल सकते हैं जैसे हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किए तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है उसका वैल्यू को हम लोग एक फॉर्मूला में रखेंगे जिससे हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा या कोल का अगर आप अल्टीमेट एनालिसिस किए हैं तो जो भी आपको एलिमेंट मिला है उसका क्वांटिटी को हम लोग एक फॉर्मूला में रख देंगे जिससे हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमारा अप्रॉक्सिमेट या अल्टीमेट से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग का एक चीज छूट रहा है और वो क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा। तो देखिए, जब हम लोग केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट क्या होता है, तो किलो कैलोरी होता है या किलो जूल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम का हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न करा रहे हैं। तो अगर यूनिट मास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी हो जाएगा या किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। अगर आप यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका किलो जूल पर एम क्यूब हो जाएगा या किलो कैलोरी पर एम क्यूब हो जाएगा। तो हमारा जो यूनिट होगा जिस भी का, वो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर एम क्यू या किलो जूल पर केजी हो जाएगा अगर सॉलिड फ्यूल है तो, या किलो कैलोरी पर एम क्यू या किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और इस कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे क्लासिफाई किया गया है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।